गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज बज गया सुबह का 6 और उठकर मैं अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए, और मैंने तब तक काशवी के लिए आटा गूंथ के रख दिया है उसको स्कूल में पराठा देने के लिए। और बाहर का वेदर फ्रेंड्स कुछ इस तरह से है, सुबह 6 बजे का वेदर है ये, -1 फील हो रहा है यहाँ का टेम्परेचर। तो उसके बाद मैंने जल्दी से काशवी का टिफ़िन पैक किया, उसको उठा के रेडी किया और हम 6:40 पे निकल गए घर से बस स्टॉप पे जाने के लिए। तो काशवी एज यूजुअल अपना स्कूटर लेकर जाती है साथ में, उसको बहुत ही अच्छा लगता है स्कूल बस स्टैंड तक स्कूटर पे जाना, उससे क्या रहता है ये एक्टिव सी रहती है, तो हम इसको मना नहीं करते, हम भी इसको कहते हैं कि चलो ले जा अपना स्कूटर पे। तो सामने व्यू देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा आ रहा है, सनराइज़ होने को है क्योंकि अभी इस टाइम तक ऑलमोस्ट 6:50 हो गए थे। बहुत ठंड थी आज सुबह, बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर था, तो इतनी सुबह सुबह बच्चों का भी उठ के तैयार होना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, बट जाना तो है ही स्कूल। तो इसकी 7:05 पे स्कूल बस आ जाती है, तो सारे बच्चे लाइन वाइज अपने स्कूल बस में चले जाते हैं। तो काशवी को स्कूल बस में बिठाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग घर की तरफ वापस आ जाते हैं सभी पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स अभी अभी काशवी को स्कूल छोड़ दिया है, तो बस आ गई थी उसकी, ले गई है बस, शाम को आएंगे बच्चे अब 3:30-4 बजे के करीब। तो फ्रेंड्स काशवी का जो बस स्टैंड है वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो पीछे देखो आप सनराइज व्यू कितना प्यारा है, जो स्कूल है काशवी का वो है फ्रेंड्स 8 to 3 जो यहाँ का टाइमिंग्स है, पर क्योंकि वो बस में जाती है तो 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में जो है एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो हम 7 बजे उसकी बस आ जाती है बस स्टैंड पे और 4:45 बजे शाम को आ जाती है। तो अब हम जाके अपना करेंगे काम घर का, तो मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी, और शाम को 4:45 बजे काशवी को लेने हम आएंगे इसी स्टैंड पे। तो फ्रेंड्स आ गए अब हम घर पे, काशवी को स्कूल बस में बिठा दिया था, तो अब हम बनाएंगे हमारी मॉर्निंग टी। तो अदरक डाल दिया पहले चाय में, और टाइम देखो भी बज गया है 7:22। तो टाइम हो गया फ्रेंड्स सुबह के 7:22 और हमने हमारी चाय में अदरक डाल दिया है। फ्रेंड्स चाय पीने के बाद फिर मैंने अपना किया घर का काम, उसमें 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। कपड़े तय करने थे, झाड़ू लगाना था, डस्टिंग वगैरह करना रहता है क्योंकि सुबह से कुछ भी काम नहीं हुआ था, तो अभी वो मैं 2 घंटा लगा के सारे काम अपने फिनिश करती हूँ। तो बर्तन धोना था उसके बाद, वैसे डिश वॉशर भी अवेलेबल है बट मैं प्रेफर करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं दोपहर का 1 और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, सफाई हो गई है, बर्तन हो गए हैं, तो अभी खाना बनाना है सिर्फ मुझे। तो फ्रेंड्स ये हमारा पालक का तड़का तैयार हो रहा है इसके अंदर, और मैंने ये सारा यहाँ पे जो पालक है उसको पीस के ऑलरेडी रख लिया है, तो इससे जो है जल्दी बन जाएगा मेरा पालक पनीर, काशवी के आने से पहले पहले मेरा रेडी हो जाएगा। और अभी टाइम हुआ दोपहर के 2 बजे। तो फ्रेंड्स अभी बज गया दोपहर का 3:30
तो अब मैं जा रही हूँ काशवी को लेने, साथ में ले लिया उसका स्कूटर, तो अब चलते हैं। धूप निकल आई है फ्रेंड्स, आज वेदर थोड़ा सा खुल गया है, देखो कितना अच्छा धूप निकली हुई है इस टाइम। हमारे अपार्टमेंट पे अब नहीं आ रही बट अदरवाइज अच्छी धूप निकली है। इस तरह का यहाँ पे ऑफिस है जो हमारी सोसाइटी है नीचे, उसमें इसका मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बना रखा है, आप चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। देखिए कितना बड़ा क्रिसमस ट्री यहाँ पे डेकोरेट करके रखा है इन्होंने, बहुत अच्छी सोसाइटी। इनफैक्ट फ्रेंड्स सभी सोसाइटीज़ ही ऐसी हैं बट ये जो हमारी सोसाइटी है बहुत अच्छी है। आज इवनिंग में भी यहाँ पे कुछ इवेंट है तो उसका भी मैं व्लॉग में कवर करूँगी, आपको दिखाऊँगी क्या इवेंट है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं भी जा रही हूँ काशवी के स्टैंड तक, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। लोअर वाले आए हुए हैं, ये क्या करते हैं, जो तो सूखी पत्तियाँ होती हैं ना इस एरिए में, क्योंकि फॉल्स का वेदर है तो बहुत ज़्यादा सूखी पत्तियाँ हैं, तो उनको बस ये ब्लोअर मार के रोड साइड पे कवर कर देते हैं। देखो अभी इन्होंने ब्लोअर से यहाँ सारा इकट्ठा कर दिया है, अब क्या होगा यहाँ पे एक ट्रक आएगा और इस सारे को सक्शन पाइप के साथ सारा ले जाएगा। तो लगभग डेली आते हैं फ्रेंड्स ये लोग, तो ऐसे ही इकट्ठे कर देते हैं सारा। और वो देखो दो तीन ऐसे ग्रुप्स में आते हैं और पूरा एरिया कवर कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या है, जो US के अंदर ना हर सिटी में या हर स्टेट में ऐप बनी हुई है, तो काशवी की जो क्लासरूम है उसकी भी एक ऐप है और जो बस सर्विस है उसकी भी एक ऐप है, उसमें काशवी का हमने अकाउंट सेट किया हुआ है, तो उस ऐप के थ्रू हमें पता लग जाता है कि जो बस है वो कहाँ आ गई है, तो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग घर से निकल सकते हैं। तो बस वो सामने वाला स्टैंड है काशवी का, तो ऐप के अंदर फ्रेंड्स उसकी लाइव लोकेशन आती रहती है बस की, और हमें अलर्ट आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि अभी बस जो है कितनी दूर है, कितने रेडियस के अंदर आ गई है, उसके अकॉर्डिंग आप घर से निकल के और पहुंच जाओ स्टैंड पे। यहाँ पे जो है जो बस वाली ऐप है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो क्लास ऐप है क्लास डोजो, उसके फ्रेंड्स एक साल का $60 का उसकी फीस है, वन टाइम है 1 ईयर। अब अगले साल जब काशवी KG में जाएगी तो फिर से हमें वो $60 पे करने होंगे। तो बस तो फ्रेंड्स ठंड का सिस्टम तो ऐसा है कि अभी जब मैंने मोबाइल पकड़ा तो मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो गए हैं, मुझे लगा नहीं था इतनी ठंड होगी, तो मैं अपनी जैकेट नहीं पहन कर आई और हाथ एकदम फ्रीजिंग एकदम फ्रीज हो गए हैं मोबाइल पकड़ के, जबकि देखो कितनी प्यारी धूप निकली है। इतना प्यारा व्यू है, मस्त वाला एकदम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे US में क्या होता है, कोई भी कार्स वगैरह होती है ना तो वो पहले ही स्टॉप कर देती हैं, आपको इधर से ही रोड क्रॉस करना होता है, और कार यहाँ पे जरूर स्टॉप करेगी, जो पैदल जा रहे हैं उनको सबसे पहले जाने देगी, फिर वो कार जो है रोड क्रॉस करेगी। तो हमेशा प्रेफरेंस जो है वो पैदल चलने वालों को दी जाती है। तो अभी गाइस बहुत अंधेरा हो चुका है बाहर, और काशवी को लाने के बाद पता ही नहीं चलता कब 1.5-2 घंटा निकल जाता है, उसका डेली रूटीन चेंज करना, खाना वाना सब तो बहुत टाइम लग जाता है। तो लेकिन अंधेरा देखो गाइस कितना हो चुका है बाहर, देखो जरा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रात का 10-11 बज गया हो, लेकिन अभी भी यहाँ पे 6-6:30 का ही टाइम हुआ है, कितना कितना अंधेरा हो चुका है। तो अभी गाइस हम जाएंगे नीचे क्योंकि छोटा सा एक इवेंट है जो क्रिसमस का जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे अभी हम जाएंगे आधे घंटे के बाद, तो थोड़ा बहुत उसका कैप्चर करूँगी मैं ग्लिम्स और वो वीडियो के एंड में आपको शेयर कर दूँगी। और गाइस मैं आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गई कि जो इस टाइम टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है यहाँ पर, अभी यहाँ पर चल रहा है 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ही कोल्ड वेदर है फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइम, तो आप देख ही सकते हो मैं फुली पैक्ड हूँ।
तो बहुत ठंड है, 2 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे अभी। तो जैसे जैसे और अंधेरा होता जाएगा तो बहुत ज़्यादा ठंड होती जाएगी। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 10 बज गए हैं और काशवी सो चुकी है इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। तो बस हम लोग भी अभी अपना थोड़ा बहुत डिनर का कुछ खा लेंगे और सो जाएंगे क्योंकि सुबह 5 बजे उठना है, काशवी को स्कूल जाना होता है तो हम लोग जल्दी उठते हैं काफ़ी। तो 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, 6:15 बजे मैं काशवी को उठा लूँगी। तो इसीलिए बस अब हम सो जाएंगे 1 घंटे के अंदर। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, टेक केयर।